रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी आज वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड भी भगवान को भेंट किया और उनकी शादी के लिए मंगल कामना की, जिसके बाद नीता अंबानी गंगा आरती में भी शामिल हुए। दर्शन पूजन के बाद नीता अंबानी ने कहा है कि मैं भगवान शिव को बेटे की शादी के लिए न्योता देने आई हूं। आपको बता दें कि अनंत राधिका की 12 जुलाई को शादी होनी है। गंगा आरती के बाद नीता अंबानी गोदौलिया स्थित काशी चाट भंडार पहुंची और वहां पर पहुंचकर जलपान किया। तो आज अभी अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो जो मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैम, आप हमेशा जब भी आती गंगा आरती में शामिल होती है, आपने थोड़ा हमारे साथ, नीता अंबानी थी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि पहले उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, फिर गंगा आरती देखी और अब यहाँ पर उन्होंने साड़ी खरीदी, चाट बनारसी चाट का आनंद लिया और उन्होंने कहा कि बहुत आनंद आया। तो आज वो अपने बेटे और बहू के लिए आशीर्वाद लेने के लिए बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंची थी। उसके बाद काशी के जो तमाम सारे रंग हैं, चाट साड़ी, इसका भी उन्होंने आनंद लिया। पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।